हेलो दोस्तों, डिजिटल इन्वेस्टमेंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बहुत ही अच्छी कंपनी का हम एनालाइज करेंगे, उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, उसने पिछले सालों में क्या किया पूरा एनालाइज करेंगे, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट हो जाए। दोस्तों ये जो कंपनी है इंडिया के अंदर लाइट का बिजनेस करती है, मोबाइल का बिजनेस करती है, प्लस एलईडी बल्ब का बिजनेस करती है, ट्यूबलाइट का बिजनेस करती है और मोबाइल एंड स्मार्टफोन का ये कंपनी बिजनेस करती है, और सीसीटीवी का प्लस इसके बाद चिकित्सा उपकरण का ये कंपनी बिजनेस करती है। दोस्तों जिसका मार्केट लीडरशिप देखें हम, भारत के अंदर सबसे बड़ी एलईडी टीवी निर्माण कंपनी है, उसके बाद दूसरे में लाइटिंग में सबसे बड़ी ओडीएम प्लेयर है। दोस्तों जो कंपनी का नाम है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, 35% का ये 35% की सप्लाई करती है इंडिया अंदर, प्रोडक्शन बनाती है 35% के लगभग। जो दोस्तों इसके मॉडल देखो 160 ये कंपनी मॉडल बनाती है, 6 किलो से 14 किलोग्राम का ये प्रोडक्शन बनाती है दोस्तों कंपनी। जो इसके व्यवसाय है, जो कंपनी दो तरह के व्यवसाय में लगी है दोस्तों, एक तो OEM और ODM। OEM तो दोस्तों हो गया जो किसी चीज का पार्ट बना के बेचती है कंपनी, जैसे कोई मोबाइल है मोबाइल का अंदर का पार्ट, और ODM में हो गया दोस्तों जैसे पूरा ही सामान कंप्लीट करके बेचनी है, जैसे एक टीवी बना के दे दिया किसी कंपनी को, एक मोबाइल बना के दे दिया किसी कंपनी, वो अपने आप अपना सब कुछ कंपनी करेगी। जो पार्ट है किसी कंपनी का मोबाइल खराब हो गया उसके पार्ट, इस तरह से ये कंपनी बिजनेस करती है दोस्तों। उसके बाद जिसको इनकम आती है, जो इसने इलेक्ट्रिशियन से कंपनी को इनकम आती है 48% की, जो प्रकाश जैसे एलईडी बल्ब प्रकाश से 12% की, और जो घरेलू जो अपने घर में यूज होने वाली उससे 7% की, और मोबाइल और ईएमएस से 29% की कंपनी को इनकम आती है, और जो सिक्योरिटी सिस्टम से कंपनी को 4% की इनकम आती है। दोस्तों देखो इनकम भी ठीक आ रही है। जिसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है 18 कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां से कंपनी अपने बिजनेस को पूरे को देख रेख करती है या प्रोडक्शन बनाती है। दोस्तों जिसकी उत्पादन क्षमता देखो दोस्तों उत्पादन क्षमता अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक में कंपनी 5.5 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष बनाती है, और जो लाइटिंग उत्पादन में देखिए 378 मिलियन प्रति वर्ष बनाती है, जो SELM देखिए फ्लैट में देखिए 2.4 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष बनाती है कंपनी, और मोबाइल फोन में देखिए EMS में 51 मिलियन यूनिट कंपनी बना रही है दोस्तों, और जो सीसीटीवी में भी 8.4 प्रति वर्ष बना रही है, और DVR में कंपनी 1.8 मिलियन प्रति यूनिट प्रति वर्ष बना रही है कंपनी। देखो दोस्तों बिजनेस मॉडल बहुत ही जबरदस्त है, और जो कंपनी अपना विस्तार कर रही है, कंपनी अपने आने वाले टाइम में एलईडी लाइट और टीवी के लिए 600 मिलियन सेट तक बढ़ाया जाएगा दोस्तों, जिसने क्षमता की 60 मिलियन प्लस डाउन सीटर के लिए 18 मिलियन तक बढ़ाया जाएगा। कंपनी अपना खर्चा भी करेगी प्लस इसके सेट की कैपेसिटी भी बढ़ाएगी कंपनी आने वाले टाइम में। मार्केट कैप्चर देखें दोस्तों 16,589 करोड़ का मार्केट कैप्चर है, जो स्टॉक पे है 69.8, जो बुक वैल्यू है 187, जो हम इसकी ROC ROE देखें ROC 22.5, और जो ROE है 21.9% से बढ़ रही है कंपनी की। जो ये डिविडेंड दे रही है 0.07 का डिविडेंड दे रही है, जिसकी फेस वैल्यू है 2, जो हम इसकी सेल एंड ग्रोथ दे रही कंपनी की 10 साल में 34%, 5 साल में 34% और 3 साल में 53% से कंपनी की सेल में ग्रोथ हुआ है। जो प्रॉफिट ग्रोथ देखें 10 साल में 40%, 5 साल में 32% और 3 साल में भी 44% कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ हो। देखो दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। जो कंपनी का CAGR देखें पिछले 5 साल में 29%, 3 साल में 45% कंपनी का CAGR बढ़ा है। और जो कंपनी का रिजर्व भी अच्छा है, 1100 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, जो बोरिंग है 413 करोड़ का बोरिंग है कंपनी के पास, रिजर्व अच्छा है बोरिंग कम है दोस्तों। जो हम इसका क्वार्टर रिजल्ट देखें, सितंबर का क्वार्टर रिजल्ट देखें दोस्तों 3,867 करोड़ का सितंबर का रिजल्ट रहता रहा इसका क्वार्टर रिजल्ट का, जो दिसंबर का 2,405 करोड़ का। दोस्तों यहां पर सेल कम हुई है जो सितंबर और दिसंबर का देखें, और जो नेट प्रॉफिट देखें 77 करोड़ था सितंबर का, वही दिसंबर का 52 करोड़ रहा दोस्तों। देखो यहां पर नेट प्रॉफिट कम रहा है, और जो हम साल का देखें तो लॉन्ग इन्वेस्टर के लिए तो अच्छा है कंपनी, जो साल 2021 में 6,448 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी, वही 2022 में 10,697 करोड़ की सेल हुई है कंपनी को। देखो दोस्तों यहां पर साल के लिए तो अच्छी बढ़िया सेल। जो नेट प्रॉफिट देखिए 160 करोड़ था 2021 का, वही 2022 में 190 करोड़ हुआ है। जो प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 34.06 की प्रमोटर की होल्डिंग, जो FL की होल्डिंग है 16.66, जो DL की होल्डिंग है 18.9, और जो पब्लिक होल्डिंग है 35.30।
जो पब्लिक होल्डिंग है 30.30 की पब्लिक की होल्डिंग है दोस्तों। यहां पर दोस्तों थोड़ा कम कर रखा है प्रमोटर ने होल्डिंग। जो उसके बाद हम शेयर प्राइस देखें 2781 रुपए का शेयर प्राइस जो सल है, जो 5 साल का रिटर्न दिया 302, जो 1 साल का रिटर्न दिया मैंने 36%, जो इस कंपनी ने हाई किया 5500 के लगभग इस कंपनी ने हाई किया दोस्तों। अभी बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगी शेयर। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 2-3% की इन्वेस्टमेंट लेके चल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बिजनेस मॉडल बहुत ही जबरदस्त है कंपनी का दोस्तों। एक बार अपने रिसर्च कर लेना, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप। कंपनियां बिजनेस मॉडल बार बार बोल, कंपनियां बिजनेस मॉडल बहुत ही जबरदस्त है। आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको मल्टीवैगर रिटर्न देगा दोस्तों। अभी बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है, अभी मौका भी है इन्वेस्टमेंट करने का दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। सब्सक्राइब और लाइक करने से हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो